योगी को मिला भागवत का साथ। संघ का प्लान, यूपी में फूकेंगे नई जान। यूपी के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने जितना बीजेपी को परेशान किया उतना ही संघ को भी चिंता में डाला है, और इस चिंता को दूर करने के लिए संघ ने उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को एकजुट करने का प्लान तैयार किया है, ताकि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह हिंदू वोटर्स के जातियों में बंटने का घाटा बीजेपी को हुआ, वो यूपी के 10 सीटों पर जल्द होने वाले उपचुनाव और फिर 2027 के विधानसभा चुनाव में न हो। सबसे पहले जानिए कि यूपी के लिए संघ ने क्या तैयारी की है। दलित पिछड़ों में पैठ बढ़ाने का प्लान, जातियों और वर्गों को जोड़ने की कवायद, सामाजिक समरसता पर सबसे ज्यादा जोर, हर गांव में पंचायत शाखा बनाने का लक्ष्य, हर गांव में हफ्ते में एक बैठक की प्लानिंग, कामकाज की समीक्षा के साथ रोड मैप। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए संघ ने प्लान पर काम भी शुरू कर दिया है। लखनऊ में पूर्वी क्षेत्र के संघ पदाधिकारियों की 4 दिन की बैठक जारी है। आज इस समीक्षा बैठक का 2रा दिन है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब उत्तर प्रदेश पर पूरी तरह से संघ ने फोकस कर लिया है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में संघ के सर कारवाह दत्तात्रेय लखनऊ में लगातार बैठक कर रहे हैं। कल से वो लखनऊ दौरे पर हैं और अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान दत्तात्रेय तमाम तरह की बैठकें जो हैं वो करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ संघ की बैठक खत्म होने के बाद एक समापन बैठक होगी और उसके बाद सरकार, भाजपा और संघ के बीच समन्वय बैठक भी आयोजित की जाएगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद थी कि वो बंपर सीटों पर जीत हासिल करेगी, लेकिन पीडीए समीकरण के जरिए अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग हिट साबित हुई और बीजेपी को सिर्फ 33 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ा। मगर संघ अपनी नई प्लानिंग के बूते 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और फिर 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव का टारगेट सेट करने में जुटी है। हालांकि विपक्ष को नहीं लगता कि बीजेपी और संघ की जुगलबंदी से कुछ फायदा हो पाएगा। मुझे तो याद है नड्डा ने कहा तुम्हारे बगैर भी काम चला लेंगे। रूलिंग पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहा है, भाव नहीं दिया मोदी जी ने, ये सब चीजें दिखती हैं। अब आगे दोनों के बीच में क्या है ये दिखेगा। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक बयान से बीजेपी और संघ के बीच दूरी आने की बात कही जाने लगी थी। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में नड्डा ने कहा था, पार्टी उस समय से विकसित हुई है जब उसे आरएसएस की जरूरत थी और अब वो सक्षम है और अपना काम खुद चलाती है। आरएसएस एक वैचारिक मोर्चा है और अपना काम करता है। मगर चुनाव नतीजों के बाद संघ प्रमुख ने बीजेपी से दूरी की बातों को बेतुका करार दिया था। ये अपने देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में प्रति 5 वर्षों होने वाली घटना है, होती है, उसके अपने नियम है, डायनेमिक्स है, उसके अनुसार होता है। समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा। क्यों कैसे इसमें संघ के हम लोग नहीं पढ़ते। और अब संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद 1 जुलाई को गाजीपुर का दौरा करने वाले हैं। मुमकिन है कि इस दौरे पर उनकी मुलाकात सीएम योगी से भी हो और फिर दोनों मिलकर यूपी में बीजेपी की वापसी के रोड मैप पर एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया।